Guys, welcome to Custom Match 4K. 24 teams, 63 players. Weekend match हो रहा है, port की ओर से जा रहा है plane VR की ओर. टीमों ने drops लेने शुरू कर दिए हैं. Team number 5 गई है port, team number 23 जा रही है Cosmodrome, team number 16 हमारी ये उतरी है Jivava, team number 3 Volvo के लिए ही जाती है CR7, team number 2 Davis जा रही है Dobromesto, टीम नंबर 17 डेविल और राजा तुर्क की टीम जाएगी शायद पेशवो का गोरो का, ये टीम नंबर 14, टीम नंबर 21 बिलावा फाइडो ने की बिलावा फाइट हो सकती है, टीम नंबर 22 आ जा रही है जीसस पिकाचू भी यही है, टीम नंबर 19 के दो प्लेयर, टीम नंबर 3 के काफ़ी करीब एक फाइट देखने को मिल सकती है, गन फाइट है यहाँ पे. जेएसएस पिकाचू जेएसएन वैम्पायर नॉक हुए हैं, M16 4S है, जेएसएस पिकाचू ने नॉक कर दिया उन्हें, एंटमैन के पास कोई गन नहीं, सुपरमैन के पास, सुपरमैन भी नॉक है, कार्तिक अकेले बचे हुए हैं, इन पर भी गन नहीं है, ये भी नॉक हो जाएंगे. एम परवीन ने भी राइडर हैन को नॉक कर दिया, टीम राइडर की भी फाइट होती हुई, CR7 पूरी की पूरी खत्म हो सकती है, राइडर हैन फिनिश हो गए हैं, राइडर कामरान भी नॉक है, राइडर अब्दुल आए एम परवीन सामने उनके, राइडर अब्दुल का एक अच्छा थॉमसन का स्प्रे बट पीछे से आई एम परवीन की टीम के प्लेयर्स आते हुए, सीआरसेवन एडमैन ने जीसस पिकाचू को नॉक कर दिया, एसटीएफ को नॉक किया है कलर हार्ड ने, राइडर अब्दुल का बहुत ही अच्छा क्लच 1v2 क्लच कर दिया उन्होंने, राइडर कामरान को रिवाइव देंगे, सीआरसेवन एडमैन ने पिकाचू को फिनिश कर दिया है, रिवाइव देंगे वो सुपरमैन को. अभी यहाँ पे बचे हैं डेविल साथ जो कि उनके पास गन हैं, आ रहे हैं वो भी लूट करके G36 और थॉमसन ला रहे हैं, जोनी ने पूरी की पूरी फिनिश कर दिया अर्थसेक्सी वाली टीम. ये यहाँ सुपरमैन को नॉक किया, अब देखते हैं अकेले एंटमैन बचे हैं, एंटमैन वर्सेस डेविल साथ, एंटमैन के पास है थॉमसन और शॉटगन, क्या मोली कनेक्ट होगा, जी नहीं कोई डैमेज नहीं इसका, एडमैन ओपन में आ रहे हैं शायद, नहीं वो भी राइडर रहमान खुद डूब के नोक हुए हैं, राइडर रहमान आई थिंक वो ऑफलाइन थे, फिनिश भी हो जाएंगे, सुपरमैन को रिवाइव देंगे, एंटमैन डेविल सात के पास कोई, डेविल सात पूरा रश करते हुए राइट से फ्लैंक करके रश करते हुए, एंटमैन रिवाइव पूरा दे चुके हैं, डेविल सात लेफ्ट से आते हुए, सुपरमैन अभी भी फिर से नॉक होंगे और फिनिश भी कर देंगे सुपरमैन को आई थिंक डेविल सात, सुपरमैन नॉक पर नॉक हो रहे हैं, तीसरी बार नॉक हुए हैं सुपरमैन, डेविल सात ने फिनिश कर दिया है सुपरमैन को, अकेले एंटमैन बचे हुए हैं, डेविल सात ने उन्हें भी फिनिश कर दिया, बहुत ही अच्छा क्लच डेविल सात का. अब चलते हैं टीम राइडर की ओर, राइडर अब्दुल और राइडर कामरान दोनों बंदे बचे हुए हैं, विला लूटेंगे ये, टीम राइडर ने भी एक फाइट ली है, दो बंदे अलाइव हैं इनके भी, और हमारे टीम एसटीएफ ने भी एक पूरी की पूरी टीम फिनिश की है, ये फाइट इनकी हुई थी कैस्टले के पास, अभी भी यहाँ पे एक टीम मौजूद है डेविल वैद की, टीम डेविल की जिस डोरा डेविल वैद और डेविल डेथ, पूरे मैप में बंदे फैले हुए हैं, टीम नंबर 23 काफ़ी सेफ ट्रेनो है जोन के एज पे, डेविल भी काफ़ी जोन के मैप की एज पे खेल रही है, डोब्रोमेस तो लूट रही है, VHS टीम भी जोन के एज पे लूट रही है, टीम नंबर 4 और टीम नंबर 9 काफ़ी करीब है, टीम डेविल की राइडर के पास आती हुई, चलते हैं टीम नंबर 4 की ओर, मनोज पितुर की और जिलानी इनके काफ़ी करीब है, टीम नंबर 1 के आदित्य फायर और VHS आदि लोपी, VHS आदि लोपी ने आदित्य फायर को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, G36 से काफ़ी अच्छा गेम प्ले, पीछे से आ रहे हैं 1HP तुर्की, अब एक और फाइट देखने को मिलेगी VHS आदि लोपी के लिए, 1v2 फाइट है जिलानी और 1HP तुर्की, बाइक सरनाता हुआ आदिलोपी को, लोड आइकॉनिक ने एवेंजर नंदू को नॉक कर दिया है, यहाँ रुके हैं 1HP तुर्की,
बीस्ट ऑफ लेगन ने एवेंजर नंदू को फिनिश कर दिया, अथॉस ने बीस्ट ऑफ लेगन को नॉक कर दिया है, राइडर सलीम ने राइडर अब्दुल को नॉक किया, राइडर की टीम आपस में ही लड़ती हुई, सी वी फ्रास ने प्लेयर 47 47 को नॉक किया, एथोस ने बीस्ट ऑफ लेगन को फिनिश कर दिया। अच्छा स्प्रे जिलानी का, वन एच पी बचे हैं जिलानी, बट पूरा का पूरा फिनिश कर दिया आदिल ओपी को, राइडर अब्दुल नोक हुए हैं, राइडर कामरान बचे हुए हैं उनकी टीम के लिए। यहाँ पे तीन टीमें फाइट ले रही हैं, टीम नंबर 25 के सोलो बंदे राइडर सलीम वर्सेज राइडर कामरान। उसी के पीछे टीम डेविल रिवाइव देंगे राइडर कामरान इजी, उन्हें राइडर सलीम शायद यहाँ पर टीम करते हुए, राइडर की टीम के प्लेयर हैं वो बट अलग टीम में है वो, क्योंकि राइडर की टीम फुल स्लॉट फुल हो गए थे। ऊपर से डेविल की टीम आती हुई यहाँ पे, क्या राइडर कामरान की राइडर की टीम को यहाँ पे एक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या वहाँ पे फिनिश हो जाएगी टीम राइडर। जस्ट पीछे खड़ी है टीम डेविल, दिस इज दोरा डेविल ओबैद, राइडर कामरान पूरा का पूरा लेफ्ट से फ्लैंक करते हुए, राइडर सलीम ने जिस दोरा को नॉक कर दिया, राइडर सलीम ने डेविल ओबैद को नॉक कर दिया, राइडर सलीम का बहुत ही अच्छा गेम प्ले, राइडर कामरान ने जिस डोरा को फिनिश किया और डेविल ओबैद को फिनिश किया, राइडर कामरान ने डेविल ओबैद सोलो बचे हुए हैं, राइडर अब्दुल नोक पड़े हुए हैं और बचे हुए हैं, राइडर अब्दुल नोक पड़े हुए हैं, टीम म्यूटेंट भी यहाँ पर आती हुई, राइडर सलीम भी फिनिश हो चुके हैं, प्रेडिक्टर ने लॉर्ड आइकनो की नोक किया है। चलते हैं इस फाइट की ओर, प्रेडिक्टर अकेले बचे हुए हैं, अपोनेंट में सीबी की टीम, तीन किले उनके पास, तीनों प्लेयर अलाइव, लॉर्ड आइकोनिक को फिनिश करना चाहते थे बट सीवी फ्रास का एक बहुत ही अच्छा टीम स्पिरिट दिखाते हुए सीवी फ्रास ने फिनिश कर दिया, राइडर अब्दुल को फिनिश किया डेविल ओबैद ने, डेविल ओबैद ने राइडर कामरान को भी फिनिश कर दिया, डेविल ओबैद का बहुत ही अच्छा गेम प्ले, सोलो बंदे ने दोनों बंदे मार दिए हैं, 1v2 फाइट लिए डेविल ओबैद ने, तीन किलो हुए डेविल ओबैद के, पूरा का पूरा जोन शिफ्ट होता हुआ, जातव को नॉक किया है, एसटीएफ ने नॉक कर दिया रिकॉन को, एक और फाइट लेती हुई टीम एसटीएफ, जातव फिनिश हो चुके हैं, जोनी ने रिवाइव किया नॉक किया साइबर करें आपको, एसटीएफ चला रहे हैं थॉमसन मोटन ग्रेफ्टी उनके सामने, जोनी उनके काफ़ी करीब, डेविल साथ पीछे थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, जोनी एक अच्छे कवर में पकड़े हुए हैं, मोटन ग्रेफ्टी नीचे से आते हुए उनके टीम मोटेंट, एक टीम डेविल साथ जिलानी और फजलू भी यहीं पे हैं, मोटेंट ग्राफ्टी को फिनिश कर दिया, एसटीएफ ने ब्लोपरमैन को फिनिश किया, जोनी ने अर्नव को फिनिश किया, टीम मोटेंट यहाँ पे फिनिश होती हुई, चार किलो है जोनी के, तीन एसटीएफ के, एक एमडीएक्स का, पीछे से थर्ड पार्टी करती हुई टीम नंबर फोर वन एचपी तुर्की को नॉक किया एसटीएफ ने, यूजी से बहुत ही अच्छा गेम प्ले, जिलानी अकेले बचे हुए हैं, जिलानी अभी भी स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिलानी के पीछे से आते हुए MDX बहुत ही अच्छा जिलानी का एक नॉक देखने को मिला यहाँ पे, एसटीएफ पूरा का पूरा कार लेके आते हुए, जोनी भी उन्हीं के पीछे से आते हुए, जिलानी बचे हुए हैं, जिलानी रिवाइव दे रहे थे बट जिलानी ने रिवाइव छोड़ा, लोड करते हुए अपनी AKM, एसटीएफ ने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, 1 HP तुर्की और जिलानी को, काफ़ी अच्छा गेम प्ले, 5 किल हुए हैं एसटीएफ के, 4 जोनी के, 1 MDX का, टीम क्लीन के हो गए 10, सारी की सारी टीमें जोन से बाहर है, सभी टीम का जोन में आना होगा, टीम नंबर 2 निकल चुकी है जोन के लिए, टीम नंबर 24, टीम नंबर 9, टीम नंबर 16, टीम नंबर 22, टीम नंबर 19, टीम नंबर 25, टीम नंबर 8, टीम नंबर 23, डेविल ओबैद जो कि सोलो हैं वो भी यहाँ पे आते हुए, 1 HP बचे हुए हैं, सामने उनकी टीम एसटीएफ, टीम के लिए काफ़ी अच्छे हैं उनके, डेविल ओबैद खड़े हुए हैं, जी हाँ एसटीएफ आते हुए पूरा पूरा डेविल ओबैद को फिनिश कर दिया है उन्होंने, डेविल ओबैद काफ़ी अच्छा खेला है, एसटीएफ के हुए 6 किल, डेविल 7 बचे हुए हैं, अब ये भी सोलो हैं, ये भी टीम नंबर 20 के काफ़ी पास है, टीम नंबर IG 9898 ये भी काफ़ी पास है टीम नंबर 20 के, एयर ड्रॉप 1 आता हुआ हमारा, ये लूट कर चुके हैं कोई नहीं हो गया इसमें विद अटैक्स एंड लेवल 3 किट एंड गिली सूट, डेविल साथ ने IG 4 को नॉक कर दिया, एक अच्छा गेम प्ले डेविल साथ की ओर से देखने को मिल रहा है हमें, G36 से एक प्लेयर टीम नंबर 20 का नॉक कर दिया डेविल साथ ने, फर्स्ट एड करेंगे अपने आप को, टीम किल 4 है उनके, 2 किल डेविल साथ के, एसटीएफ कार लेके आते हुए पूरा का पूरा रश कर दिया डेविल साथ पे, डेविल साथ पहले ही CR7 की टीम को फिनिश करके आ चुके हैं,
हिंदुस्तानी भावों ने डीएनडी माफिया को नॉक कर दिया, एसटीएफ आते हुए डेविल साथ के लिए, डेविल साथ को फिनिश कर दिया एसटीएफ ने, हिंदुस्तानी भावों ने नॉक इन फिनिश कर दिया एक पूरी टीम, डेविल साथ ने फिनिश कर दिया, राजा तुर्क की पूरी टीम फिनिश कर दिए हिंदुस्तानी भाव आई एन डब्ल्यू अदिनूब एंड वायरस एक एम ओ पी ने, तीन खेल हो गए इनकी टीम के, एक हिंदुस्तानी भाव पे, दो अदिनूब पे, 10 टीम है, 23 प्लेयर्स बचे हुए हैं, आज काफ़ी प्लेयर्स सोलो खेल रहे हैं, टेबल्स की पूरी टीम बची हुई है, पास साहिल की तीन बंदे अलाइव हैं, दो बंदे अलाइव हैं बी एच एस के, एक बंद सोलो है जंगीत, फ्रैग जैन सोलो है, हाइपर जात की टीम, हाइपर की टीम है पूरी की पूरी अलाइव, हर्षल भी सोलो, टीम नंबर 20 एस टी एफ की टीम के थ्री बंदे अलाइव हैं, 23 थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे हैं, आई जी 98 सोलो बचे हुए हैं, एयर ड्रॉप ट्रू विद मशीन गन 100 एमओ 5.56 लेवल 3 हेलमेट लेवल 3 वेस्ट एंड एटेक्स हॉट स्प्रिंग के पास, देखते कौन पिक करता है इसको, बीएचएस नबील जोन सभी टीमें जोन में आती हुई, टीम नंबर 10 टीम नंबर 13 और टीम नंबर 23 जो कि जोन में काफ़ी अच्छा जोन कवर करेगा, फाइट देखने को मिलेगी टीम नंबर 15 टीम नंबर 8 टीम नंबर 2 डेविल्स, डेविल्स वर्सेस सीवी वर्सेस हाइपर, तीन टीमें हैं यहाँ पे, तीनों ही तीनों ने में जेन में जाने की जोन में जाने की कोशिश करेंगी, जोन की एज पे हैं अभी थोड़ी जोन से बाहर के लिए, डेविल्स की टीम शायद जोन में शायद, लेट्स सी, जी हाँ डेविल्स की टीम काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाती है, पहले जोन कवर करती है उसके बाद में फाइट लेती है, ये एक अच्छी रणनीति, 32 मीटर दूर है हाइपर की टीम, और पास साहिल सीवी फ्रास और लोड आइकोनिक ये भी जोन दो बंदे जोन में हैं, सीवी फ्रास काफ़ी दूर पानी से जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं, टेबल स्निक निकलते हुए टेबल्स भाव ने M24 का फटका दिया लोड आइकोनिक को, शायद रस्ट करेंगे वो लोड आइकोनिक के ऊपर, टीम एट के ऊपर लोड आइकोनिक ब्लड आउट हो चुके हैं, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएंगे, कोई भी प्लेयर शायद उन्हें रिवाइव नहीं दे पाएंगे, सीवी फ्रास लेट हो जाएंगे, पास साहिल और सी वी फ्रास, जी हाँ क्या यहाँ पर रिवाइव हो पाएंगे लोड आइकोनिक, जी नहीं बस एक सेकंड की देरी थी, लोड आइकोनिक फिनिश हो गया, डेविल्स भाव को मिलता है इनका किल, डेविल्स भाव टीम डेविल को किल मिल गया, तो फिर वो फिर से वहाँ पे सपोर्ट करती हुई प्लेयर्स को और शॉट देगी, डेविल्स भाव चला रहे हैं M24 विद 6x, अपोनेंट में दो बंदे बचे हुए हैं सी टीम सी वी के और हाइपर की टीम के, पूरे चार मैन स्क्वाड जिंदा है, हाइपर लजित को काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया पासा साहिल ने, सॉरी सी वी फिरास ने, डेविल्स की टीम पीछे से बीच में फंस चुकी है, टीम नंबर 8 सी वी फिरास की टीम बीच में फंस चुकी है, लेकिन उन्हीं के पीछे आती हुई टीम नंबर 20 ये डेविल्स के लिए भी, डेविल्स के लिए भी डबल फाइट हो गई है, जहाँ पर फाइट डबल थी टीम सी वी के लिए वहीं पर अब डेविल्स के लिए भी डबल फाइट हो चुकी है, पीछे टीम सी वी और हाइपर है, सामने उनके दूसरी साइड टीम एस टी एफ है थ्री मैन स्क्वाड के साथ, यहाँ से कौन सी चार टीमों में से एक दो टीम वो होगी जो निकल गई, डेविल्स भाव ने जोनी को बहुत ही अच्छा शॉट दिया M24 6x चला रहे हैं डेविल्स भाव, काफ़ी अच्छा स्नैपिंग करते हुए रिवाइव होंगे जोनी, पास साहिल ने हाइपर लसित को नोक कर दिया है, सी वी क्या टीम सी वी टेबल्स ने H4Q मैक को नोक किया है, दो नोक हो गए हैं टीम नंबर ट्वेंटी के, जोनी रिवाइव हो चुके हैं, मोक भी रिवाइव होंगे, डेविल्स की टीम काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, टीम सीवी ने एक नॉक किया था हाइपर की टीम का, हाइपर के दो बंदे जोन में जा चुके हैं, हाइपर जात और हाइपर लजित दोनों ही जोन से बाहर हैं, जोन का डैमेज ले रहे हैं, ऊपर से टीम सीवी उन्हें जोन में आने नहीं देगी इतनी ईजी, हर्षल बिस ने जोनी जंग को नॉक किया, हर्षल बिस सोलो दे एक किल हुआ है उनका, फिनिश कर दिया उन्होंने, वो भी सोलो थे, अपोनेंट भी सोलो वर्सेस सोलो फाइट हुई थी, नोटी में 21 प्लेयर, हाइपर लजित पूरा का पूरा ओपन में M4 विथ 3x काफ़ी अच्छा स्प्रे देते हुए हैं, पाशा साहिल उनके पास ऑलरेडी एक किले, हाइपर लजित बट एक अच्छा कवर फायर देते हुए हाइपर की टीम, बट हाइपर लजित कम बचना बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि हाइपर लजित के बाकी तीनों के तीनों प्लेयर्स जोन में जा चुके थे, बट डेविल्स वैद उनको बचाने के लिए जा रहे हैं शायद, जी हाँ शायद डेविल्स वैद डेविल्स बैड डेविल्स निक ने पास शाहिल को नोक कर दिया, टीम सीवी के लिए भी ये बहुत अच्छा, ये थोड़ा हाइपर के लिए थोड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि टीम सीवी का एक बंदा नोक हो गया तो सी फ्रास रिवाइव देंगे उनको, बट सी फ्रास फाइट लेते हुए डेविल्स निक को MUMB 45 विद 4x पे स्प्रे देते हुए अपने पास साहिल को कवर देते हुए, बट उन्हें नहीं पता डेविल्स बाउंड के लेफ्ट आ चुके राइट आ चुके हैं पूरा बड़ा फ्लैंक करके,
क्या डेविस भाव ने फिनिश कर दिया पूरा पूरा ओपन में सी फ्रांस, बट डेविस भाव के लिए भी बहुत ही तकलीफ की बात है क्योंकि पिछली टीम नंबर 20 एसटीएफ खड़ी है। डेविस भाव फिनिश कर देंगे जिठाजी सिक्स के पास शाइल को। फ्रैंक जेंस जो सोलो थे हर्षल विस को फिनिश किया, सी फ्रांस ने डेविस एसपीएस को नॉक किया, पिलो जोन से सी वी फ्रांस भी फिनिश हो गए। अब यहाँ पर बची है टीम हाइपर, टीम डेविल वर्सेज टीम एसटीएफ। जोन भी स्टार्ट हो चुका है, थर्ड जोन स्टार्ट हो चुका है हमारा। सारी की सारी टीम जोन में जाना चाहेंगी। टीम हाइपर के दो बंदे जोन के लिए निकल चुके हैं, टीम डेविल भी जोन के लिए जाती हुई कार उड़ा दी है। डेविल एसपीएस काफ़ी लो एचपी हैं, हील अप होंगे वो। टीम नंबर 20 ऊपर से फाइट लेती हुई हाइपर जात ने डेविल एसपीएस को नोक कर दिया, डेविल एसपीएस को फिनिश कर दिया हाइपर जात को। डेविल स्निक ने नोक किया, क्या डेविल एसपीएस बच पाएंगे? अभी फिनिश नहीं हुए वो, उनके प्लेयर्स उन्हें रिवाइव देंगे तो वो इजली बच जाएंगे। अपोनेंट में जो हाइपर जात नोक पड़े हुए हैं, त्रुक्साइल है उनके पास, त्रुक्साइल ने डेविल्स हल्क को नोक किया। बहुत ही अच्छा स्प्रे देते हुए पीपी विजन से त्रुक्साइल, प्लेजोन से डेविल्स एसपीएस भी मर चुके हैं। डेविल्स की टीम के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज, जो टीम पहले सबसे पहले जोन कवर करती थी वही टीम अब जोन से मर रही है। डेविल्स हल्क भी प्लेजोन से मरते हुए, त्रुक्साइल ने डेविल्स भाव को भी नोक कर दिया, अकेले डेविल्स निक बचे हुए हैं। हाइपर लजित को फिनिश कर दिया जोनी ने, प्लेजोन से त्रुक्साइल भी नोक हुए, अकेले डेविल्स के एक प्लेयर बचे हुए हैं डेविल्स निक। और अपोनेंट में हाइपर की टीम के दो बंदे नोक पड़े हुए हैं, रिवाइव के लिए जाएंगे डेविल्स बैथ, थोड़ा लेट हो जाएंगे शायद, त्रुक्साइल बच सकते हैं बट हाइपर जात पूरा फिनिश हो जाएंगे। डेविल्स भाव को फिनिश किया एच यू फोर के ने, डेविल्स निक ने हाइपर जात को फिनिश कर दिया। अब डेविल्स निक अकेले बचे हुए हैं, एस टी एफ ने वो भी फिनिश कर दिया। अब टीम बची है यहाँ पर एसटीएफ, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाती हुई जोन कवर करी हुई है, उन्हें भी अब जोन में जाना होगा बट सामने अभी हाइपर की टीम मौजूद है। डेविल्स तो साहिल रिवाइव दे तो साहिल को रिवाइव दे देंगे डेविल्स बैड, उनके पास टीम किले हैं, उनके पास दो अपोनेंट में टीम 20 जिसके पास अच्छे टीम किले हैं, 15 टीम किले हैं। छह टीम है, 12 प्लेयर्स। डेविल्स बैड को शॉर्ट कनेक्ट होते हुए जोन में जाने के लिए उन्हें व्हीकल की ज़रूरत है, अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तो जोन बहुत ही डैमेज देगा, जोन में नहीं निकलने देगी टीम 20। अपोनेंट में तुर्क साहिल जो कि लगातार बैंडेजेस यूज़ कर रहे हैं, उनके पास शायद फर्स्ट एड वगैरह नहीं है, ऊपर से डैमेज भी खाते हुए टीम एसटीएफ का कार की ओर जाते हुए तुर्क साहिल अगर यहाँ पे व्हीकल पकड़ के निकल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी टीम हाइपर के लिए। एयर ड्रॉप 4 आता हुआ यहाँ पर, मशीन गन विद लेवल 3 किट, टीम VHS इसके काफ़ी करीब है। जी हाँ, VHS नबील पिक करेंगे मशीन गन। टीम नंबर 15, टीम नंबर 20 दोनों ही जोन के बाहर हैं। बाकी चार टीमों में एक बंदा सोलो है आई जी नाइट, टीम VHS एक बंदा और सोलो है फ्रैग जेनेंथ, और टीम VHS के दो बंदे हैं और टीम नंबर 23 के पास हैं तीन बंदे, तीन तीन बंदे हैं दो टीमों में, दो दो बंदे हैं दो टीमों में और दो सोलो हैं। छः टीमें, 12 प्लेयर्स हो गया। चिकन डिनर और वीकेंडी मैच एसटीएफ को नोक किया है आदि नूब ने, आई थिंक जी हाँ, हिंदुस्तानी बाबू ने H4 की को नोक कर दिया। काफ़ी अच्छा ऊपर हिल पे वेट कर रहे थे वो टीम नंबर 23 किसी टीम को आने का, प्लेजोन से हमारे हैं H4 की और डेविल बैट को भी प्लेजोन से नोक हुए हैं। एसटीएफ रिवाइव होंगे क्या? जोनी उन्हें रिवाइव दे पाएंगे? नहीं, जोनी काफ़ी दूर हैं, शायद ये टीम कॉल आई है कि जोन में जोन पहले कवर किया जाए। एसटीएफ भी फिनिश हो गए जोन से, टीम नंबर 23 के तीन बंदे अलाइव हैं, टीम नंबर अब 20 के अकेले जोन ही काफ़ी अच्छे गेम प्ले दिखा रही थी पूरी टीम बट जोन से, और एक अच्छा टीम नंबर 23 के एक अच्छे रिच पकड़ने की वजह से टीम नंबर 20 भी खतरे में हो गई है। एक ही बंदा अलाइव है इनका, आठ प्लेयर्स अलाइव हैं, अब केवल एक डुओ है टीम VHS और दो सोलो, सॉरी तीन सोलो हैं और एक टीम के तीन बंदे अलाइव। मोस्टली तो यही होगा कि टीम 23 चिकन डिनर निकाले या टीम VHS। अब देखते हैं क्या फ्रैगजेंट जोनीसिंस या IG नाइट सोलो होने के बाद क्लच करके सर्वाइव करके चिकन डिनर निकालते हैं क्या। जोन शिफ्ट होता हुआ पूरा का पूरा एज की और मैप के एज पर 7 फैक्ट्री के राइट में, टीम नंबर 23 के पास भी कोई व्हीकल नहीं है, वो भी जोन कवर कर रही है। टीम नंबर 20 जोन जो सोलो बचे हुए हैं वो भी जोन कवर कर रहे हैं। IG नाइट ऑलरेडी जोन में है,
टीम वीएचएस भी जोन में बहुत अच्छा कवर पकड़े हुए हैं, फिर एक्जेंट भी एक अच्छा कवर पकड़े हुए हैं जोन में। टीम नंबर 23 ने अपनी व्हीकल पकड़ी है, टीम जोन में जाएगी, शायद उन्होंने जोनी को स्पॉट कर लिया हो तो फिनिश कर जाएगी पूरा। जी नहीं, उन्होंने स्पॉट नहीं किया है, वो उन्होंने पहले जोन को प्रीफर किया है। पांचवा जोन बन चुका है हमारा, 24 मिनट हो चुके हैं गेम को। यहाँ पर आता हमारा एयर ड्रॉप नंबर फाइव ओम विद 4x विद लेवल 3 किट एंड गिली सूट स्नो वाला। एक अच्छा ड्रॉप होता है ये ओम का। क्या टीम नंबर 23 ओम पिक करेगी या टीम भी एच एस आएगी ड्रॉप लूटने के लिए? बाकी तो तीन बंदे सोलो हैं, नहीं आएंगे। जोनी पीछे से जोन का डैमेज लेते हुए, बट जोन आ जाएंगे वो। टीम नंबर 23 क्या वायरस द एक एम द ओपी जोनी को स्पॉट कर पाएंगे? प्रोन हुए हैं जी थर्टी सिक्स सी पर विथ 3x चलाते हुए वायरस एक एम ओ पी। लेफ्ट में आते हुए जोनी अपनी टीम के लिए अकेले सर्वाइवल, प्रोन हुए हैं वो भी, 142 मीटर दूर है जोन से। एक मिनट बाद जोनी स्टार्ट हो जाएगा। टीम वीएचएस भी फ्लैंक करते हुए एक सही कंपाउंड होल्ड करे हुए टीम वीएचएस। फ्रैगजेंट और आईजी नाइट वन वीवन हो सकता है इनका, दोनों ही बंदे सोलो हैं अपनी टीम के लिए। वीएचएस नबील ने आधी नूप को नॉक कर दिया है, बहुत ही अच्छा स्प्रे वीएचएस नबील का G36 से नॉक किया है वीएचएस नबील ने। वी 6x चला रहे हैं, बस ईजी रिवाइव हो जाएंगे वो, क्योंकि उनकी टीम पूरा का पूरा होल्ड करी हुई है एक रिच विद 2 व्हीकल्स। हिंदुस्तानी वाओ वहाँ से निकलते हुए आई थिंक कार लेके शायद वो, जी हाँ, एक कवर की एक अच्छी कवर की जगह पकड़ना चाहेगी टीम नंबर 23। अब टीम नंबर 20 जोनी भी लेफ्ट से पूरा फ्लैंक करके, जी हाँ, यहाँ का फ्रैगजेंट और आईजी नाइट के बीच 1v1 होता हुआ। फ्रैगजेंट ने पिक की थी मशीन गन से फिनिश कर दिया फ्रैगजेंट के पास हुए 2 किल। एक अच्छा सोलो सर्वाइवर 1v1 स्क्वाड खेल रहा है ये बंदा, 2 किल निकाल चुका है। ईविल रिटर्न और वीएचएस नबील पूरा का पूरा अच्छे जोन में कवर किए बैठे हुए हैं। टीम नंबर 23 भी एक कंपाउंड होल्ड करती हुई, जोनी पूरा लेट से फ्लैंग मार के उनके सामने होंगे फ्रैगजेंट, उनकी फाइट हो सकती है फ्रैगजेंट से, 1v1 फाइट होगी। जोन के पास है M4 और M24। पूरा का पूरा प्रोन है फ्रैगजेंट, उनके पास गिली सूट है ग्रास वाला। पीछे से जोनी आते हुए के सपोर्ट करेंगे फ्रैगजेंट, उन्हें जोनी भी सांप बने हुए हैं, फ्रैगजेंट भी सांप बने हुए हैं। इस वीकेंड जो सांपों का गेम नहीं माना जाता है उसमें भी सांप दिख रहे हैं हमें। सिचुएशन होती है तो हर जगह सांप बनना पड़ जाता है, कितना भी प्रो प्लेयर क्यों नहीं हो। टीम वीएचएस, टीम 23 और टीम 20 जोन एसटीएफ और टीम 13 का 16 बंदा फ्रैगजेंट होंगे एट अ चिकन डिनर। टीम 23 भी एक जोन में एक अच्छा कंपाउंड होल्ड कर रखी है। टीम नंबर 9 वीएचएस ने भी व्हीकल के साथ एक कंपाउंड होल्ड कर रखा है, 2 प्लेयर्स हैं उनके भी, जोनी ने भी, प्रोन है वो भी जोन के अंदर। टीम नंबर 13 फ्रैगजेंट भी कंपाउंड के कॉर्नर में एक सही जगह पर प्रोन हुए हैं, जोन कट चुका है। टीम नंबर 20 और टीम नंबर 3 दोनों ही जोन से बाहर हैं। टीम नंबर 9 से भी 57 मीटर दूर है जोन। टीम नंबर 23 का एक अच्छा जोन एडवांटेज मिलेगा उन्हें, एक तो कंपाउंड होल्ड कर रखा है उन्होंने ऑलरेडी, और अब टीम वीएचएस के लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा क्योंकि शायद टीम नंबर 23 के बंधन उन्हें नहीं आने। इविल रिटर्न का बहुत ही अच्छा स्प्रे मशीन गन से नॉक किया है उन्होंने वायरस दाई के एमओपी को। अब टीम वीएचएस चाहे तो वहां से निकल सकती है। इविल रिटर्न बहुत ही अच्छा गेम दिखाते हुए मशीन गन चला रहे हैं, अभी मशीन गन से बहुत ही अच्छा स्प्रे कनेक्ट किया। टीम वीएचएस लेफ्ट से फ्लैंक कर बहुत ही अच्छा ओम का शॉट आदि नूप का, इविल रिटर्न को पड़ता हुआ आदि नूप का एक बहुत ही अच्छा ओम का फटका, पत्थर के पीछे रिवाइव होंगे टीम वीएचएस। नेट आया है, क्या नेट कनेक्ट हो पाएगा? जी नहीं, कोई नेट कनेक्शन नहीं।
पीछे से टीम 20 के जोनी, वो भी प्रोन होकर जेन कवर करते हुए। टीम नंबर 30 के फ्रैग जेंट, उन्हें भी रोड क्रॉस नहीं, वो एक अच्छे जोन में हैं, रिज है उनके पास, जोन है उनके पास, मशीन गन है उनके पास, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए फ्रैग जेंट। और जोनी भी सोलो होने के बाद, जोनी को जोन में जाना होगा अभी भी, जोनी 23 मीटर्स दूर हैं वो। टीम नंबर 23 के बंदे पूरा पूरा वेट कर रहे हैं कब टीम VHS आएगी और कब वो उन्हें फिनिश करेंगे, क्योंकि वो टीम VHS जोन में नहीं है। थोड़ी हार्ड सिचुएशन हो गई है टीम VHS के लिए। टीम VHS नबील अब जोन में है, लेकिन पूरा पूरा ओपन में है, किसी वक्त स्पॉट कर सकते हैं टीम नंबर 23 के प्लेयर्स। टीम VHS हिंदुस्तानी वाओ लेफ्ट में आके प्रोन हो गए हैं। VHS नबील को इसकी कोई खबर नहीं होगी। स्नो वाला गिली सूट है हिंदुस्तानी वाओ पे, अगर उन्हें कोई इविल रिटर्न या VHS नबील कहीं भी स्पॉट होते हैं तो पूरा का पूरा फिनिश ही कर दिए जाएंगे। वायरस एक द AKM OP, वो भी बहुत अच्छा मूव उनका भी, लेफ्ट से पूरा का पूरा फ्लैंक करते हुए पीछे से जाएंगे इविल रिटर्न के। हिंदुस्तानी वाओ ने VHS नबील को स्पॉट कर लिया और नॉक कर दिया है। अब इविल रिटर्न बचे हुए हैं अकेले पत्थर के पीछे, VHS नबील को फिनिश कर दिया गया है। इविल रिटर्न सोलो बचे हुए हैं मशीन गन से राइट से आते हुए। जोनी ने बहुत अच्छा फ्रैग जेंथ को फिनिश कर दिया, जोनी ने भी मशीन गन से। विलेटन ने AKM 2 OP को 1 HP छोड़ा है, बट बहुत अच्छा इस पर हिंदुस्तानी वाओ का, हिंदुस्तानी वाओ ने फिनिश कर दिया। एक अच्छा गेम प्ले टीम नंबर 23 का, तीन तीन साइड से घेरा था उन्होंने टीम VHS को, 7 किल के साथ, टीम किल 7 हैं, 1v3 फाइट होगी अब जोनी से उनकी, चिकन डिनर। देखते हैं जोनी यहाँ पे क्लच कर पाते हैं कि नहीं। जोनी कल जोनी के एक हर एक दिन एक नए क्लच देखने को मिलता है हमें। टीम नंबर 23 हिंदुस्तानी बाहु आदि नूब AKM वायरस द AKM OP, तीनों के तीनों बंदे एक कंपाउंड में आते हुए, जोनी उनके सामने। डिसएडवांटेज है जोनी के लिए, 8वां जोन बन चुका है, 30 सेकेंड है मात्र, जोन से दूर 63 मीटर दूर, सामने कंपाउंड, जोनी क्या क्लच कर पाएंगे। वायरस द AKM OP आते हुए और पूरा कवर फिनिश कर दिया वायरस द AKM OP ने जोनी को। एक अच्छा गेम प्ले टीम नंबर 23 के द्वारा, हिंदुस्तानी बाहु के 4 किल, 3 किल आदिनूब के, 1 किल वायरस था AKM OP का, 8 किल के साथ चिकन डिनर करते हुए। सेकंड बाई है टीम STF 16 किल के साथ, टीम VHS 0 किल, फ्रैगजेन 2 किल के साथ, आईजीनाइट 0 किल, टीम तुर्कसाइल की 2 किल के साथ, डेविल्स की टीम 5 किल के साथ। फिर अच्छा गेम प्ले।